स्वागत आप सबका। आप देख रहे हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस लाहौर कलंदर्स T20 मैच रिव्यू, जो खेला जाएगा नेशनल स्टेडियम कराची पे, और यह मैच करीबन दोपहर के 3 बजे स्टार्ट होगा। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहाँ पर लाइनअप्स के बाद कोई भी फर्दर अपडेट्स आती है ये मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पर। लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल इन द कमेंट सेक्शन सबसे टॉप पे पिन करा हुआ मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे पिच रिपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। ये सेम वेन्यू है जहाँ पर 3 फरवरी को इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस क्यूटा ग्लैडिएटर्स के बीच में मैच खेला गया था। तो अपन ने उस मैच के अंदर क्या देखा था, क्या सीखा था, आपको यहाँ पे स्टैट्स के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगा। प्लस दोस्तों मेरे पास ना आपके लिए प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए कुछ फोटोज़ हैं, तो आपको सबसे पहले लेके चलता हूँ फोटोज़ के ऊपर। तो दोस्तों आप देख सकते हो जो पिच रहेगी यहाँ पर नेशनल स्टेडियम कराची की, इस तरह से दोस्तों आपको दिखेगी। इस पिच की खासियत क्या है, जो पिच है दोस्तों यहाँ पे कराची की, ये पिच दोस्तों टोटली बैटर फ्रेंडली है। यहाँ पे दोस्तों बैटर्स को मजा आता, हाई स्कोरिंग दोस्तों वेन्यू है यहाँ पर, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। और यहाँ पर आउट ऑफ लास्ट 27 गेम्स जो टीम दोस्तों यहाँ पे चेस करिए ना, 20 मैच जीती है, और जो टीम दोस्तों बैट फर्स्ट करी है 60 मैच जीती है। लेकिन दोस्तों आप देखोगे जो लास्ट 4 से 5 मैच हुए ना, वो दोस्तों यहाँ पे जो टीम बैट फर्स्ट करी ना वो जीत रही है। इसका रीज़न बताऊँ क्या दोस्तों, इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर ड्यू फैक्टर नहीं आ रहा है इस वेन्यू के ऊपर रात के टाइम पे। पर आपको दोस्तों पता है दिन का मैच है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे बैट फर्स्ट करो चाहे बैट सेकंड करो, इतना मायने नहीं रखेगा दोस्तों यहाँ पर। तो आप पिच को आप यहाँ पर देख सकते हो, बढ़िया पिच है दोस्तों, हल्के हल्के क्रैक्स हैं यहाँ पर। और मेरे हिसाब से जो क्रैक्स हैं दोस्तों ये इतने ज़्यादा खुल नहीं रहे हैं, खुल नहीं रहे मतलब क्या होगा दोस्तों, टर्न देखने को इतना नहीं मिल रहा है यहाँ पर। दोस्तों बैटर फ्रेंडली पिच रहेगी, थोड़ा बहुत यहाँ पर स्टूडेंट्स को मदद मिलती है। आप पिच को दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो, ऐसी पिच यहाँ पर दिखेगी। ग्राउंड डायमेंशंस की बात करते हैं, ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, बहुत छोटी दोस्तों यहाँ पे बाउंड्रीज। आप सोचो सामने की बाउंड्री मात्र 73 मीटर है, 73 मीटर्स, वहीं दोस्तों स्क्वायर बाउंड्रीज ना एक तरफ की 63 मीटर है, ठीक है, बहुत छोटी होती है यार ये, वुमन मैचेस के अंदर होती है इतनी छोटी बाउंड्रीज, एक तरफ 69 मीटर्स है, तो 69 ना एक तरफ 63, तो आप समझ सकते हो दोस्तों कितनी यहाँ पर हद से ज़्यादा छोटी बाउंड्रीज है। और दोस्तों ये मैचेस को हाई स्कोरिंग वेन्यू इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो फ्रेंचाइज लीग होती है ना PSL, सब क्या है दोस्तों, एक T20 टूर्नामेंट्स है जिनको दोस्तों जनता देखती है। तो ये क्यों बनाए जाते हैं दोस्तों, ये बनाए इसलिए जाते हैं कि जनता दोस्तों इनमें एंटरटेन हो सके, दोस्तों उनको मजा आ सके। तो यहाँ पर दोस्तों छक्के चौके लगना लाजमी सी बात है, हाई स्कोरिंग वेन्यू रहेगा यहाँ पर, मैं आपसे यही कहूँगा। तो आप स्टेडियम को दोस्तों देख सकते हो, दिन के टाइम पर स्टेडियम ऐसा दिखेगा, दोपहर का दोस्तों मैच है ठीक है, ऐसा दिखता है स्टेडियम, और ये दोस्तों रात के टाइम पर ऐसा दिखता है। तो आप यहाँ पे स्टेडियम को भी देख सकते हो। स्वागत है आप सबका किसके अंदर, पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर PSL 2022 के अंदर। अब यहाँ पे स्टैट्स की बात करते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए फोटोज मैंने आपको दिखा दी। अब देखो इस वेन्यू के ऊपर ना इस्लामाबाद यूनाइटेड का दोस्तों पलड़ा बहुत भारी है, ये दो सबसे बेहतरीन टीम से अपन कह सकते हैं। एक टीम में दोस्तों एलेक्स हिल्स है, कॉलिन मनरो है, पॉल स्टर्लिंग है, एक तरफ दोस्तों 3 सबसे बेस्ट बॉलर्स हैं, कौन कौन, शाहीन शाह अफरीदी, हरी श्रॉफ, राशिद खान, यही तो दोस्तों टूर्नामेंट की खूबसूरती। एक तरफ 3 सबसे बेहतर बैटर्स पॉल स्टर्लिंग, एलेक्स हिल्स, कॉलिन मनरो है, एक तरफ दोस्तों 3 सबसे बेहतरीन गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी, हरी श्रॉफ, राशिद खान। इस मैच में दोस्तों आपको मजा नहीं आया तो भाई मैं कह रहा हूँ दोस्तों PSL देखना छोड़ देना, यह मैच दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, देखने लायक दोस्तों मैच रहेगा। अब देखो स्वानी के ऊपर इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 13 मैच खेले हैं, 8 मैच जीता, रिकॉर्ड बहुत ही शानदार है। वहीं बात करते हैं यहाँ पर किसकी, लाहौर कलंदर्स की, भाई साहब जमान साहब ही चल रहे हैं इस टीम के अंदर सिर्फ, तो 12 मैच ये टीम खेली है स्वानी के ऊपर, 7 मैच जीते, इनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। अब देखो जो टीम बैट फर्स्ट करी आपको पहले बता दिया 7 मैच जीती है, जो टीम चेस करिए 20 मैच जीती है आउट ऑफ लास्ट 27 गेम्स, औसतन स्कोर 150 to 180, ये भी दोस्तों कभी कभी लो स्कोरिंग लगता है मेरे को, तो 150 to 180 इससे ज़्यादा दोस्तों स्कोर्स बन रहे हैं, 200 के ऊपर के स्कोर्स बन रहे हैं आजकल। अब देखो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये शायद दोस्तों आपको कोई कहेगा नहीं, क्यों, आपको दोस्तों पता रहेगा नेशनल स्टेडियम कराची के ऊपर ना 7 पिचेस हैं, ठीक है, कितनी पिचेस हैं, 7 पिचेस हैं, और यहाँ पर 15 मैच होने, आपको पता है फिर 15 मैच दोस्तों कहाँ पर होंगे, गद्दाफी स्टेडियम लाहौर के ऊपर होंगे। तब आपको चीज़ ध्यान देनी है, इस स्टेडियम के ऊपर ना 7 पिच आपको बना के दिखाता हूँ, पिच नंबर 1, पिच नंबर 2, पिच नंबर 3, पिच नंबर 4 को थोड़ा बड़ा बनाया मैंने, बताऊंगा क्यों, कुछ लोगों को पता ही है, ये पिच नंबर 5, पिच नंबर 6, पिच नंबर 7। तो दोस्तों सबसे सेंट्रल की पिच है ना, 3 पिच इधर छोड़ के, 3 पिच इधर छोड़ के, तो सबसे सेंट्रल की पिच है ना, जो पिच है दोस्तों सबसे स्लो यहाँ पे कराची के अंदर अपन कह सकते हैं। जो आपने पहला मैच दिखा था जो हुआ था दोस्तों किसके बीच में, कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान का मैच था शायद, वैसी दोस्तों पिच थी, बहुत लो स्कोरिंग मैच था, तो सेंट्रल पिच पे बहुत कम रन बनते हैं। अब देखो यहाँ पे लास्ट 19 मैचेस के अंदर सोनी के ऊपर क्या हुआ है, पेसर मतलब होता है तेज गेंदबाज, उन्होंने यहाँ पे 143 विकेट्स निकाले, पहली पारी के अंदर 81 है, दूसरी पारी के अंदर 62 विकेट्स है, राइट आर्म पेसर के 102 विकेट है, लेफ्ट आर्म पेसर के 41 विकेट्स है। बात करते हैं स्पिनर्स की,
स्पिनर्स मतलब आप जानते हैं दोस्तों, जो एक दो स्टेप या तीन चार स्टेप लेके बॉलिंग करते हैं। 19 मैच के अंदर 62 विकेट्स है, पहली पारी के अंदर 25 है, दूसरी पारी के अंदर 37 है। भाई साहब दूसरी पारी के अंदर स्पिनर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लेग स्पिनर्स यहाँ पे कैर मचा रहे हैं 33 है। उसके बाद दोस्तों लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, 24 विकेट्स हैं यहाँ पे। ऑफ स्पिनर्स के 5 विकेट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑफ स्पिनर्स नहीं है। देखो जो लास्ट मैच हुआ था इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस क्यूटा ग्लेडिएटर्स का मैच था, जिसके अंदर दोस्तों सरफराज अहमद बिल्कुल नहीं चिल्लाए थे, एकदम से शांत खड़े थे मैच में, ठीक है, तो भी दोस्तों टीम हारी थी वो। उस मैच के अंदर 6 विकेट यहाँ पे पेसर्स के थे, 8 विकेट वहाँ पे स्पिनर्स के थे। सनी वेदर है दोस्तों, वीडियो को लाइक स्टार्ट कर सकते हो। न्यूज़ की बात करते हैं भाई साहब, यहाँ पे कॉलिन मुंडो अवेलेबल थे जैसे अपने लास्ट मैच में डिस्कस करा था। इस मैच के अंदर हाई चांसेस है फुलिन सॉल्ट अवेलेबल होंगे, हैरी ब्रुक्स अवेलेबल होंगे, कोई चिंता की बात नहीं होनी चाहिए। अब देखो दोनों टीम्स ने 12 मैच खेले आज तक हेड टू हेड के अंदर, आमना सामना करा है 12 बार, इस्लामाबाद यूनाइटेड जीती है 9 बार, लाहौर कलंदर्स जीती है 3 बार। और जो लास्ट 8 हेड टू हेड मैच हुए ना, उसके अंदर इस्लामाबाद यूनाइटेड 7-1 से आ गए लास्ट 8 हेड टू हेड मैचेस के अंदर। बात करेंगे दोस्तों लाइनअप्स की, एलेक्स हिल्स ओपन करेंगे यहाँ पे, पॉल शर्लिंग आएंगे यहाँ, रोमेलु गुरबाज़ पर ये दोस्तों बाहर चुके हैं, आएंगे दोस्तों यहाँ पे वन डाउन कॉलिन मुंडो, गुरबाज़ दोस्तों आई थिंक टीम प्रीफर ही नहीं कर रही है उनको, शदाब खान कैप्टनसी कर रहे हैं, 2 डाउन है, अजम खान, असीफ अली, मुबाशिर खान इमर्जिंग प्लेयर है, मोहम्मद वसीम जूनियर, हसन अली, फहीम अशरफ, मर्चेंट लंगा खेल सकते हैं, या फिर लास्ट मैच की तरह वकास मकसूद आ सकते हैं। चलेंगे लाहौर कलंदर्स की तरफ, भाई साहब इस मैच में फिलिप सॉल्ट आ सकते हैं, हाई चांसेस है, कोल्ड टेस्ट पास करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जमान साहब फिलिप सॉल्ट ओपन करेंगे, अब्दुल्ला शफीकी वन डाउन, हफीज़ गुलाम, फिर आएंगे समित पटेल, डेविड वीसा, राशिद खान, शहीन अफरीदी, अरिश्रफ, जमन खान के दोस्तों मिर्जिंग प्लेयर है, बहुत अच्छे गेंदबाज है गतिन के पास, दोस्तों स्लिंग एक्शन है थोड़ा सा। चलते हैं इस तरफ, जब दोनों टीम आमना सामना करती है तो क्या होता है, जब दोस्तों एलेक्स हिल्स खेलते हैं अगेंस्ट लाहौर, 3 मैच 91 की औसत है, 91 रन है, बैट फर्स्ट 80 नबाद, चेस के ऊपर 11 है, एक बार बैट नहीं करा। आएंगे पॉल शर्लिंग, हेड टू हेड नहीं खेला है लेकिन दोस्तों गजब प्लेयर है, पावर प्ले का अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, आएंगे अटैक करना चालू करेंगे उनको, दोस्तों पता है पावर प्ले के अंदर सिर्फ 2 फील्डर बाहर होते हैं, उसके अंदर ही भाई साहब अपनी हाफ सेंचुरी कर जाते हैं ये। कॉलिन मुंडो 5 मैच 30 की औसत है, 119 रन है, बैट फर्स्ट 87, नॉट आउट 11, 4 चेस के ऊपर 15-2, तो एक ही बार बहुत बड़ी पारी यही है। और दोस्तों फॉर्म में अच्छे हैं कॉलिन मुंडो इस टाइम पे, इवन उन्होंने जो टीम थी पर्स कोचेस उसको दोस्तों खिताब जिताने में बहुत बड़ा रोल था इनका। याद है मेरे को एडिलेड स्ट्राइकर्स का गेम्स में मैच था जिसके अंदर दोस्तों जो अपने भाई साहब थे कॉलिन मुंडो शतक जड़ा था, राशिद खान थे उस मैच के अंदर, भाई साहब बहुत तगड़ा धोया था उसको। अजम खान 4 मैच में 58 रन है अगेंस्ट लाहौर, बैट फर्स्ट 33, 13, 0 चेस के ऊपर 12 है। शदाब खान 10 मैच में 13 विकेट्स है, मस्ट विकेट है, कैप्टन वाइस कैप्टन, 150 रन है, प्रीवियस टू प्रीवियस गेम के अंदर भाई साहब ने बनाया थे 91 रन, लास्ट मैच के अंदर 5 विकेट हॉल, इन फॉर्म ऑफ हिज लाइफ कह सकते हैं। बॉल फर्स्ट के अंदर 3 मैचों में 4 विकेट है, बॉल सेकंड के अंदर 7 मैचों में 9 विकेट है, एक मैच के अंदर विकेटलेस गया अगेंस्ट लाहौर। आसिफ अली 10 मैच 34 की औसत है, 238 रन है, बैट फर्स्ट 75, 55 नाबाद, 20 नाबाद, 16-7-1, चेस के ऊपर 36 नाबाद, 18-7-3, क्लास प्लेयर है दोस्तों आसिफ अली, बस वही दिक्कत है बहुत नीचे खेलते हैं यार, चांस नहीं मिलता है इनको तो खेलने का। मुबशिर खान नॉट इंपॉर्टेंट है, मोहम्मद वसीम जूनियर के 2 हेड टू हेड मैचेस के अंदर दोनों में विकेटलेस गया, बॉल सेकंड कर रहा है। हसन अली के 9 मैच में 15 विकेट है, बॉल फर्स्ट के अंदर 5 मैचों में 12 विकेट्स हैं, गजब गेंदबाजी है पहली पारी में, दूसरी पारी के अंदर 4 मैचों में 3 विकेट है, 3 मैच के अंदर विकेटलेस गए हैं। फहीम अशरफ थोड़े दोस्तों अलग ही स्टैट्स हैं, देखो आप 6 मैचों में 15 विकेट्स हैं, अगर आपको याद हो 6 विकेट हॉल जो आया था ना इनका फहीम अशरफ का T20 के अंदर PSL के अंदर, ये सेम टीम थी लाहौर के खिलाफ ही आया था। बॉल फर्स्ट के अंदर 3 मैचों में 7 विकेट है, बॉल सेकंड के अंदर 3 मैचों में 8 विकेट है, तो हो गया भाई साहब 8 और 7 15 विकेट, और 3-3 6 मैच, सीधी बात है। बात करेंगे मर्चेंट डेलंगा की, हेड टू हेड नहीं खेला है, वकास मकसूद ने 3 मैच खेले, हेड टू हेड के अंदर 4 विकेट है, बॉल फर्स्ट के अंदर इसका 3 विकेट था 2 मैच के अंदर, लिख भी देता हूँ आपके लिए, और बॉल सेकंड के अंदर इसका 1 मैच में 1 विकेट था, ठीक है कोई चिंता की बात नहीं है, विकेटलेस एक भी बार नहीं गया जब भी खेला लाहौर के खिलाफ। यहाँ पे हो गया अकलक के स्टैट्स, जफर गौर के स्टैट्स हैं, स्टार्टिंग ओवर मोहम्मद वसीम जूनियर है, मर्चेंट डेलंगा खेलते हैं तो, वरना मकास मकसूद, फहीम अशरफ, हसन अली, डेथ में मोहम्मद वसीम जूनियर हैं, हसन अली हैं, डेलंगे खेलते हैं तो वो आएंगे, वरना फहीम अशरफ। लाहौर कलंदर्स की बात करते हैं, जब दोस्तों यहाँ पर जमान साहब खेलते हैं अगेंस्ट इस्लामाबाद यूनाइटेड, 234 रन 26 क्रॉस है, बैट फर्स्ट है 63-34-33, चेस के ऊपर 44-38-9-6-5-0, आएंगे फिलिप सॉल्ट, ये दोस्तों इस्लामाबाद यूनाइटेड के एक्स प्लेयर हैं, ये पहले एलेक्स हिल्स के साथ ओपन करते थे इस्लामाबाद के लिए, तो ये एक्स प्लेयर टीम के खिलाफ खेला नहीं आज तक, जब भी इसने PSL खेला ना हर बार इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए खेला है, पहली बार ये लाहौर के लिए खेल रहा है। चेस के ऊपर 28, बैट फर्स्ट 24 की औसत है, और ये भाई साहब बहुत अच्छे फॉर्म में थे बारबाडोस के अंदर जो सीरीज हो रही थी इंग्लैंड बनाम वेस्ट इंडीज़ के अंदर,
शफी की 200 टैलेंटेड बंदा आप जानते हो। बात रही मोहम्मद हफीज की, 13 मैच 25 की औसत है, 255 रन है हेड टू हेड के अंदर, बैट फर्स्ट 98 नॉट आउट, 30 नाबाद, 11-10-8-5-0 चेस के ऊपर, 29-25-13-10-8-8 एवरेज उससे ज़्यादा इसलिए क्योंकि ये 98 की जो पारी थी ना नाबाद रह गई थी, दैट इज द रीज़न वाई इज हैविंग ए गुड एवरेज। कामरान गुलाम दोस्तों अच्छे प्लेयर हैं, लास्ट मैच में दो ओवर लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स विकेट डाले थे, विकेट भी मिलने के चांसेस थे, कैच ड्रॉप हुए थे। डेविड वीसा का दो मैच में दो विकेट है हेड टू हेड के अंदर, बॉल फर्स्ट एक बॉल सेकंड एक विकेट है, विद्या बैट 31 रन है। समित पटेल के दो मैचों में एक विकेट है, राशिद खान का दो हेड टू हेड मैचेस के अंदर एक विकेट है, हर बार बॉल फर्स्ट करा है। शहीन अफरीदी का पाँच मैचों में 8 विकेट है, बॉल फर्स्ट के अंदर 4 विकेट है, 3 मैच में बॉल सेकंड के अंदर 2 मैच में 4 विकेट है, एक मैच के अंदर विकेट लग गए हैं। हरीश रॉफ का 5 मैचों में 6 विकेट है, बॉल फर्स्ट के अंदर 4 विकेट, 3 मैच में बॉल सेकंड के अंदर 2 में 2 विकेट्स हैं। जमन खान के पास दोस्तों अच्छी गति है, स्लिंगिंग एक्शन है, थोड़ा मलिंगा का जैसा मिलता है और शोएब अख्तर का जैसा मिलता है दोनों एक्शन। इन्होंने खुद कहा था अपने इंटरव्यू के अंदर कि मैं दो बॉलर्स को हमेशा एडमायर करता हूँ, एक तो शोएब अख्तर रनअप के अंदर, और जब मैं बॉल डिलीवर करने जाता हूँ तो मैं थोड़ा सा मलिंगा का कॉपी करता हूँ स्टाइल, तो भाई साहब है दम इस बंदे में। फिर बात करेंगे आप किसकी, डैन फेक्सरॉट के स्टैट्स है, हैरी ब्रुक के स्टैट्स है। हैरी ब्रुक का दोस्तों फॉर्म ऐसा ही चल रहा है करीबन एक दो महीने से, वो तो यूके के अंदर जो द 100 हुआ था और विटालिटी T20 ब्लास्ट हुई थी उसमें अच्छे फॉर्म में थे। स्टार्टिंग ओवर शहीन अफरीदी, हरीश रॉफ, जमन खान, डेविड वीसा डालते हैं तो डाल सकते हैं, डेथ ओवर में शहीन अफरीदी, हरीश रॉफ, जमन खान, डेविड वीसा। वैन स्टार्ट की बात करते हैं, एलेक्स हिल्स ने सोनी के ऊपर 14 मैच खेले, 25 की औसत है, 288 रन है, बैट फर्स्ट 41 29-22 के ऊपर 46 है, 41-29-23-22-11-1-82 नॉट आउट 23। बात करेंगे कॉलिन मनरो के, CM भाई साहब ये CM है इस टीम के, चीफ मिनिस्टर, 5 मैच 134 रन है, बैट फर्स्ट 32-30-72 नाबाद, लास्ट मैच में करा था दोस्तों गजब नॉक थी, बहुत छोटी बाउंड्री लग रही थी इनके लिए, वैसे दोस्तों बहुत छोटी बाउंड्रीज है कराची के ऊपर, आप देखना यार हद से ज़्यादा छोटी यार, बॉलर को कुछ फेवर है ही नहीं, देख के लगता है अगर बाई चांस टू एंड भी लग जाता है ना बैटर के, टिम ड्यूडे का एक टू एंड लगा था, टू एंड मतलब क्या हो गया, बैट के एकदम जड़ पे लगी थी गेंद, ठीक है ये जड़ पे लगी थी गेंद, ड्राइंग पे मत जाना है, ठीक है यहाँ पे बॉल लगी थी तो भी दोस्तों गई थी कहाँ पे, बाउंड्री के बाहर। तो ये स्टेडियम दोस्तों बहुत छोटा है। पॉल शिलिंग का 5 मैच में 192 रन है, बैट फर्स्ट 158 है, चेस के ऊपर 57-57-19 है। गुरबाज का 2 मैच के अंदर यहाँ पे 42 रन है। अजम खान का 12 मैच में लगभग 300 रन है, 30 की औसत है, अच्छे प्लेयर है, इनका दो मत तो ही चलते हैं, पहली बॉल से मारना चालू करते हैं। शदाब खान 19 मैच 24 विकेट है, मस्ट विक है, बॉल फर्स्ट के अंदर 10 में 10 विकेट्स है, बॉल सेकंड के अंदर इनका 9 मैच में 14 विकेट्स है। आसिफ अली का 30 मैच में 29 की औसत है, 581 रन से टॉप ऑर्डर कोलैप्स हुआ तो ही चलेंगे। वसीम जूनियर का 10 मैच में 16 विकेट है, बॉल फर्स्ट के अंदर 6 मैच में 7, बॉल सेकंड के अंदर तो भाई साहब बहुत अच्छे स्टैट्स हैं, 4 मैच में 9 विकेट्स हैं। हसन अली 22 में 29 विकेट्स हैं, 4 मैच के अंदर विकेटलेस गए हैं। फहीम अशरफ का 16 मैचों में 18 विकेट्स हैं, बॉल फर्स्ट में 6 नंबर्स है। डेलंगा का 2 मैच में 1 विकेट है। वकास मकसूद का 9 मैच में 12 विकेट है। लाहौर कलंदर्स जमान साहब 22 मैच के अंदर यहाँ पे 40 की औसत है, 843 रन है, गजब प्लेयर है दोस्तों, क्या ही परफॉर्मेंस चल रहा है। पहले मैच आप देख लो उसमें भी भाई साहब 50 के ऊपर, दूसरे मैच में भी देख लो 50 के ऊपर, तीसरे में भी देख लो ये भाई साहब रुकने का नाम ले रहा है। 76-66-106 हाई रन स्कोरर है। शान मसूद इनके पीछे है, क्या दोस्तों इनको पकड़ पाएंगे देखना लायक रहेगा। फिलिप स्टॉल 5 मैच 57 रन से सोनी के ऊपर ज़्यादा खास नहीं करा है, 25-10-9 बैट फर्स्ट, चेस के ऊपर 13-0। अब्दुल्ला शफीकी 3 मैच 71 रन है, बैट फर्स्ट 24-41 चेस के ऊपर 6 हैं। कामरान गुलाम 5 मैच में 120 रन है, अच्छे टैलेंटेड दोस्तों बंदा, हर बार स्टार्ट लेता है, 36-9-4-43 है, 30 है, 6 चेस के ऊपर, हर 3 बार तो स्टार्ट लिया है 5 में से। हफीज 24 मैच 41 की एवरेज है, 767 रन है, अच्छे प्लेयर है दोस्तों, दिन होता है तो चलते हैं। समित पटेल का 11 मैच में 126 रन है, वीसा का 13 मैच में 11 विकेट है, 182 रन विद द बैट है। खान साहब का 5 मैचों में 4 विकेट है, विद द बैट अच्छे पॉइंट्स दे रहे हैं, 67 रन है विद द बैट। और लास्ट मैच में जीशन अशरफ कीपिंग कर रहे थे, स्टंपिंग भी मिस करी थी और एक दो कैच भी मिस करे थे, और उन्होंने कोई बात नहीं यार चलता है, यंगस्टर है, सीखेगा दोस्तों जीशन अशरफ। मेरा खुद को दोस्तों एक दो लीग के अंदर वहाँ पे नुकसान हुआ था, राशिद खान की स्टंपिंग मिस हो गई थी इस वजह से, लेकिन क्या कर सकते हैं यार, अब आप रोने तो नहीं बैठ सकते ना यार, स्टंपिंग मिस हो गई वहाँ पे, आपकी दोस्तों जो इच्छा थी वो पूरी नहीं हुई, तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखने की दोस्तों लाइफ के अंदर, इससे आपका खुद का दिल का दर्द हल्का नहीं होगा कभी भी लाइफ के अंदर। तो हमेशा मैच देखें, खुश रहें, जो का दोस्तों ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दिए, रिजल्ट्स आपके आप में कभी नहीं होंगे। अगर दोस्तों आप एक सम बेहतरीन टीम बना लेते हो ना, तो भी क्या पता दोस्तों आपकी पूरी मेहनत पर पानी फिर जाए, कैचर वहाँ पे फील्डर कैच ड्रॉप कर दे, विकेट कीपर स्टंपिंग मिस कर दे,
अगर दोस्तों आपने किसी बैटर को ड्रॉप कर दिया हो, वो भाई साहब एज पे एज लग के चार पांच चौके चले गए, इनसाइड एज लग के, बॉटम एज लग के, तो आप क्या कर सकते हो यार। अब बस आराम से मैच को एंजॉय करें दोस्तों, ये प्रोसेस है, दिमाग पे किसी चीज़ को हावी ना होने दें। मैं स्टार्टिंग में दोस्तों फील्ड में आया तो मेरे साथ भी यही होता था। शंशा प्रदीप 16 मैच 25 विकेट्स हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं। हरीश रफ का 14 मैच में 18 विकेट्स हैं, ये भी दोस्तों दमदार हैं बॉल फर्श के अंदर। जमन खान का यहाँ पे 4 विकेट्स हैं 3 मैच में। बात करेंगे यहाँ पे इसकी मैचअप्स की, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर फकार जमान का शक्ल शादाब खान के सामने है, 28 गेंद 30 रन, 3 बार आउट करा है शादाब खान ने फकार जमान को, 2 बार पहली पारी में। हसन अली ने भी फंसाया यहाँ पे जमान को, 33 गेंद में 40 रन देके दोनों बार पहली पारी में आउट करा है जमान को हसन अली ने। फहीम अशरफ ने 2 बार आउट करा है 25 गेंद में 25 रन देके, दोनों बार दूसरी पारी में आउट करा है इनको। मोहम्मद हफीज वर्सेज शादाब खान, 34 गेंद 32 रन, 1 बार आउट करा है हसन अली ने, 2 गेंद में 0 रन देके 1 बार आउट करा है। जफर गौर ने मास खान ने 1 बार आउट करा है, मूसा खान आई मीन, ठीक है। बैन टंग की बात करते हैं, शादाब खान के सामने स्ट्रगल, हसन अली के सामने, फहीम अशरफ के सामने, मूसा खान के सामने, फिर यहाँ पे जई खान के सामने। चलते हैं डेविड विसा की तरफ, फहीम अशरफ के सामने 4 गेंद 9 रन 1 बार आउट है। फिलिप स्टॉल का स्ट्रगल, मर्चेट डिलिंगा के सामने 18 गेंद 40 रन 1 बार आउट करा है जमान। जहीर खान ने यहाँ पे 4 गेंद में 4 रन देकर 1 बार आउट करा है। जहीर खान भी दोस्तों ओवरसीज प्लेयर है इस्लामाबाद के। एलेक्स हेल्स वर्सेज है राशिद खान, 3 गेंद 2 रन 1 बार आउट करा है। मैथ्यू पॉट्स ने 1 बार आउट करा है। पॉल स्टर्लिंग वर्सेज राशिद खान, एक गजब दोस्तों मैचअप आपको पावर प्ले के अंदर दिख सकते हैं राशिद खान, क्योंकि जो पावर प्ले के अंदर इस्लामाबाद का गेम प्लान है ना, 60-70 रन बना देते हैं पावर प्ले के अंदर कम से कम। 225 गेंद 127 रन, 7 बार आउट करा है पॉल स्टर्लिंग को, 5 बार दूसरी पारी में आउट करा है। गुरबाज वर्सेज समित पटेल 2 बार आउट करा है। आजम खान वर्सेज समित पटेल, अहमद दनियाल, शादाब खान वर्सेज हरीश रॉफ, 10 गेंद 21 रन 2 बार आउट करा है। हसीफ अली वर्सेज शंशा अफरीदी, 22 गेंद 52 रन 2 बार आउट करा है। कॉलिन मनरो का शगल विसा के सामने, 22 गेंद 19 रन 3 बार आउट करा है, 2 बार दूसरी पारी में आउट करा है। फिर यहाँ पर राशिद खान ने भी आउट करा है कॉलिन मनरो को, 63 गेंद के अंदर 58 रन देके 3 दफ़ा, तीनों बार दूसरी पारी में आउट करा है। तो कॉलिन मनरो को दोस्तों मैचअप है, यहाँ पे नंबर है राशिद खान के पास। शंशा अफरीदी ने भी 4 बार आउट करा है। कॉमन कैप्टन शादाब खान, जमन साहब बड़ी लीग्स में बनाओ, एलेक्स हेल्स को, पॉल शर्लिंग को, राशिद खान को, शादाब खान को, अलग जाना है शंशा अफरीदी, हसन अली, पॉल शर्लिंग। बात करेंगे दोस्तों टीम्स की, वापस जैसे मैं आपको देने लग गया आपकी डिमांड के ऊपर। यहाँ पर दोस्तों कप्तान है कौन, शादाब खान, वाइस कैप्टन राशिद खान, आप दोस्तों जमान साहब को कर सकते हो, जनता की अधिकतर यही कैप्टन है। शफी ही हैं, कॉलिन मनरो, एलेक्स हेल्स हैं, यहाँ पे पॉल शर्लिंग, फिलिप सॉल्ट है, मोहम्मद वसीम जूनियर है। अब दोस्तों अगर आपका गट फील है, अगर दोस्तों आप कर सकते हो चिंता, तो कॉलिन मनरो को हटा के ले सकते हो यहाँ पे, किसको बताऊँ, सीधी बात है, जुवानी बात है, सीधी बात कहूँगा आपसे, आप शंशा अफरीदी को लेके जा सकते हो। और 8 बजते हैं, जमन खान को ले सकते हो, ये भी दोस्तों आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये भी दोस्तों बहुत अच्छा कॉम्बो बन रहा है, आप यहाँ पे कमेंट करना कि ये कॉम्बो दोस्तों कैसा है, या फिर अपन पॉल शर्लिंग को ड्रॉप करें और कॉलिन मनरो को लें, किसको दोस्तों अपन लें यहाँ पर, क्योंकि दोस्तों ये लग रहा है तीनों में से एक पक्का फ्लॉप होगा, तो एलेक्स हेल्स फ्लॉप होंगे या तो पॉल शर्लिंग या तो कॉलिन मनरो, तीनों से प्लेयर है, जब तीनों चल गए तो भाई साहब मेरे हिसाब से 200 के ऊपर स्कोर बन जाएगा इस्लामाबाद का, मुझे लग नहीं रहा है। इनका दोस्तों बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा है, किसका, लाहौर कलंदर्स का, तो दिक्कत हो सकती है। अब देखो बड़ी लीग्स में क्या करना है, रिस्क लेने से नहीं डरना, आप भी दोस्तों लॉजिक लगाना, एक तरफ रहेंगे कौन, एलेक्स हेल्स और पॉल शर्लिंग, एक तरफ रहेंगे कौन, जमान खान और शंशा अफरीदी। शंशा अफरीदी दोस्तों बहुत बढ़िया गेंदबाज है, किसी को भी टपका सकते हैं वहाँ पे, आजम खान आपके ऊपर निर्भर करेगा। मैं कहूँगा दोस्तों सॉल्ट के साथ जा सकते हैं, ओपन करते हैं, अटैकिंग प्लेयर है, थोड़ा सा रन बना के दे देंगे। जमान साहब इंपॉर्टेंट है, 2-3 बैक टू बैक 50s है, तो इस मैच में दोस्तों वही ग्रेविटी हमेशा नीचे गिराती है, जब आप ज़्यादा ऊपर उठते हो तो उनको ग्रेविटी नीचे गिरा सकती है। एलेक्स हेल्स दोस्तों वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, पॉल शर्लिंग का दोस्तों फॉर्म बहुत अच्छा है, कॉलिन मनरो ने पहले मैच में आते ही दिखाया था, मैचअप्स के अंदर बड़ा नाम है इनका। गुलाम टॉप ऑर्डर में खेले तो ही, टॉप 4 के अंदर ही खेलेंगे ना गुलाम और शफी की, तभी लेना, टॉप 4 से नीचे हुए तो मत लेना। शादाब खान इंपॉर्टेंट है, हफीज टॉप 4 में हो तो अपन इसको पिक करेंगे, वरना पिक नहीं करेंगे। फहीम अशरफ ग्रैंड लीग पिक है, हेड टू स्टार्ट्स बहुत ही ज़्यादा बेहतर है, समित पटेल आपके ऊपर निर्भर करेगा, इनका भी नाम ठीक ठाक था उसमें। खान साहब इंपॉर्टेंट रहेंगे, अफरीदी दोस्तों बॉल फर्स्ट के अंदर अधिक इंपॉर्टेंट है, हरीश रॉफ भी बॉल फर्स्ट में अधिक इंपॉर्टेंट है, हसन अली दोनों पारे में इंपॉर्टेंट, मोहम्मद वसीम जूनियर भी दोनों पारे में इंपॉर्टेंट है। जमन खान एज ए क्रेडिट सेवर आप देख सकते हो, और कोई भी फर्दर अपडेट्स आएगी मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पर, लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल इन द कमेंट सेक्शन सबसे टॉप पे पिन करा हुआ मिल जाएगा। तब तक लिए देखते रहे स्टैट्स गुरु जी, लव यू गाइस। और दोस्तों अपना वही कहूँगा बेस्ट दें, किसी को दोस्तों कॉपी ना करें, कौन क्या कर रहा है, स्टैट्स दोस्तों आपके सामने होते हैं, जो स्टैट्स होते हैं ना दोस्तों ये सारे, ये मैं घर पे बैठ के ऐसे मन से नहीं बनाता दोस्तों, जो पहले हुआ रहता है ना प्लेयर्स के बीच में, ये दोस्तों स्टैट्स होते हैं सारे, ऐसा नहीं कि यार मैं घर में बैठा हूँ मेरा मूड हो रहा है किसी के सामने भी मैचअप लिख रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ये डेटा दोस्तों निकालने में बड़ी मेहनत लगती है, तब इनको फॉलो करें ठीक है, और अपना गट फील लगाएं दोस्तों कौन क्या करें, आपको मतलब नहीं होना चाहिए, आप दोस्तों अपना बेस्ट दें। तब तक के लिए टेक केयर, सी यू सून, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।